अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम देखेंगे कि मदर बैग के अंदर कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आपको ट्रैवलिंग के लिए चाहिए होती हैं और आप इसके अंदर जो है वो कैरी कर सकते हैं। तो ये मैंने एक बैग लिया था, ये मैंने बच्चा पार्टी से बैग लिया था। ये मुझे पसंद इसलिए आया था कि ये बहुत खुला था, इसकी साइड पॉकेट्स भी थी और ये अंदर से भी काफ़ी खुला था, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा था तो मैंने ये ले लिया। अगर जब भी आपका बच्चा बी का मदर, अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा होता है तो उसके लिए आपको हमेशा बैग जो है वो साथ कैरी करना पड़ता है। तो बैग में ज़रूरी चीज़ें आपको रखनी पड़ती हैं, कहीं भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें जो ट्रैवलिंग करते हुए हमेशा साथ रखनी चाहिए। अच्छा, इस बैग के अंदर जो है वो ये एक उन्होंने सेपरेट छोटा सा बैग साथ दिया हुआ था। ये मुझे इस बैग की बहुत अच्छी चीज़ लगी थी। इसके अंदर आप बच्चों की मेडिसिन वगैरह डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी ज़रूरी मेडिसिन है जो हम बैग के अंदर कैरी करके साथ लेके जा सकते हैं, जिसकी हमें किसी भी टाइम जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसमें सबसे पहले जो है वो ये पैनाडोल का सिरप है। ये मैं लाजमी साथ रखती हूँ क्योंकि बच्चे को कभी भी कहीं आप जब जाते हैं तो फीवर हो सकता है या कोई पेन वगैरह हो सकती है, तो उसके लिए ये पैनाडोल के जो सिरप है ये मैं ज़रूर जो ड्रॉप्स हैं ये मैं साथ रखती हूँ। उसके अलावा मैं ये एंटी एलर्जी हैं ड्रॉप्स हैं ये मैं लाजमी रखती हूँ साथ। आप बच्चे को कहीं भी, अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे बच्चे का कोई फ्लू हो सकता है, उसको गला ख़राब हो सकता है, उसके लिए आपको ड्रॉप्स जो है वो लाजमी रखने चाहिए। बच्चे को कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाती है, पेट के इशू तो बच्चे को रहते ही हैं, तो उसके लिए आप ये ड्रॉप्स जो हैं वो साथ रखें। उसके अलावा जो है कॉलिक इशू बच्चों को बहुत ज़्यादा रहता है, उसके लिए आप जो है वो एंटी कॉलिक जो ड्रॉप्स हैं वो लाजमी साथ रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लाजमी रखें साथ। अच्छा, मैं साथ विटामिन डी के ड्रॉप्स हैं ये भी साथ रखती हूँ। और साथ ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि बच्चों को, ये रैश क्रीम जो कि बच्चों को जब भी आप पैम्पर जो है वो चेंज करते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप ये भी लाजमी जो है वो साथ रखें। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं साथ रखती हूँ वो है ये पॉलीफ्लेक्स। अच्छा, आप कहीं भी अल्लाह ना करे इसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन ये कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को खुदा ना खास्ता कोई चोट लग जाती है या कोई इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो तब ये भी होनी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप ये लाजमी जो है ना ये भी रखें। उसके अलावा आपको पता है आजकल आई फ्लू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो उसके लिए आई ड्रॉप्स जो हैं ये भी आपके पास होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा, अगर आपका बच्चा टीथिंग में है तो उसके लिए टीथिंग के जो ड्रॉप्स हैं वो आप लाजमी रखें, ठीक है। बच्चे के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे के नेल कटर हैं, ये भी आपको कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है, आप बड़ों का जो है वो बच्चों को नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए बच्चों के सेपरेट जो है ये भी रखने बड़े ज़रूरी हैं, तो मैं ये भी साथ कैरी करती हूँ। मेडिसिन वगैरह देने के लिए मैं एक ड्रॉपर जो है ये भी क्लास में रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को मेडिसिन वगैरह कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ती है देने के लिए तो ये आपके पास स्पेयर होने चाहिए। अच्छा, एक ये चीज़ जो मैं अभी बहुत अच्छी मुझे ये कुछ ही दिनों में मैंने इसको कैरी करना शुरू किया, एक स्पून है, ये आप लाजमी रखें। आप कहीं जाते हैं तो आपको बच्चे को कुछ खिलाना पड़ जाता है, जब आपके पास कोई स्पून वगैरह आप अपना होता है तो आपको तसल्ली होती है, बाहर से अगर आप कोई कोई चीज़ ले लेते हैं तो वो अनहेल्दी होती है, किसी की चीज़ के अंदर आप नहीं खिला सकते बच्चों को, बच्चों के बीमार होने का डर होता है, तो ये एक स्पून लाजमी रखें। अच्छा, ये मैं ज़रूर कैरी करती हूँ। इसके अलावा जो बच्चे के लिए मैं चीज़ें रखती हूँ उसके लिए, उसके अंदर है बच्चे की कॉम, ये मैं लाजमी रखती हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं रखती हूँ बच्चे की, वो आपको पता है कि ये डायपर्स हैं, ये मैं बल्क में रखती हूँ क्योंकि ये आपको कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है, अगर आप लॉन्ग रूट पे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें आपके पास जो है वो ये ज़्यादा हों तो आप सेफ रहते हो, क्योंकि फ्रीक्वेंटली चेंज करने पड़ जाते हैं, कई बार रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा होती है, आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो आपको पैम्पर्स जो है ना ये ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी में रखने चाहिए। उसके अलावा मैं ये वाइप्स रखूँगी, ये लाजमी रखते हैं। अच्छा, एक जो पैम्पर्स को डिस्पोज करने के लिए ना आप ये शॉपर जो है ना ये लाजमी रखें। इससे क्या होता है, कई बार आप ऐसी जगह पे होते हो जहाँ पे आपको डस्टबिन वगैरह करीब नहीं होती, आपने पैम्पर भी फेंकना पड़ जाता है, तो वो फिर आपके पास ये लाजमी हो तो फिर आराम से बंदा इसके अंदर जो है ना वो पैम्पर डिस्पोज कर देता है, ये मैं साइड पॉकेट्स में हमेशा रखती हूँ। अच्छा, बच्चे के नैपकिन ये बहुत ज़रूरी हैं, ये आप लाजमी रखें, बच्चे को दूध पिलाते हुए, बच्चे को कहीं किसी भी वॉमिट कर सकता है बच्चा, उसके लिए ये लाजमी है, तो ये 2-3 होने एक्स्ट्रा जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बच्चे का दूध ये लाजमी जाएगा बैग के अंदर,
उसके अलावा जो है ना बच्चे के टॉयज़, अच्छा बच्चे इरीटेट हो जाते हैं कई बार बहुत ज़्यादा, उसके लिए आपको बच्चे के लिए टॉयज़ जो हैं वो आप रखें, गाड़ी में हो जाते हैं इरीटेट या कभी आप बाहर जाते हैं तो इन टॉयज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मैं लाजमी बैग में कैरी करती हूँ। और एक जो चीज़ है ये रैपिंग शीट, ये मैं लाजमी रखती हूँ, अगर आपने बच्चे को रैपिंग शीट दी भी है तो एक एक्स्ट्रा लाजमी रखें। कई बार ऐसा होता है कि आपको पैम्पर चेंज करना पड़ जाता है रास्ते में, तो आपके लिए ये शीट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, बच्चा गंदी कर लेता है, आप नीचे भी छा के आराम से बच्चे का पैम्पर जो है वो चेंज कर सकते हैं। और एक बच्चे का लाजमी जो है ना वो सूट जो है वो आपके बैग के अंदर होना चाहिए, कभी भी कोई दूध फेंक सकता है बच्चा या कोई गंदा कर ले या सूट ख़राब हो जाता है, तो एक ड्रेस जो है वो लाजमी बच्चे का जो है ना वो आपके बैग में होना चाहिए। और जो एंड पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये पानी वाली बॉटल है, इसको आप ज़रूर कैरी करें। ये मैंने यूज़ की थी, इसके अंदर मैं नीम गर्म करके जो है ना वो पानी डाल लेती हूँ और फिर आराम से जो है वो फीडर जो है बच्चे के आराम से जो है वो बन जाते हैं।